वेलकम टू द ब्लॉग भाई, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। एक्चुअली आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम रहा है यार, जिसके कारण आज ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसी टाइम से ब्लॉग शूट किया जाए, क्योंकि भाई काम अपनी जगह है और ब्लॉग अपनी जगह, इससे कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं कर नहीं सकता। आज मौसम बहुत ज़्यादा, पटना में बारिश हो रखा है और शायद कि आज रात तक काफ़ी ज़्यादा होने वाला भी है बारिश यार। तो अभी सबसे पहले घर जा रहा हूँ। इवनिंग में मॉर्निंग से ही निकला हुआ था और अभी कुछ काम था तो कंप्लीट हो चुका, और अब ओनली ऑन फोकस होगा ब्लॉग पे। सो डोंट स्किप, फुल वॉच, स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को इसी के साथ। और आज का दिन तो भाई कुछ रिजल्ट भी आया है जूनियर्स का, तो जूनियर्स अभी ये ब्लॉग को देख रहे हैं, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स कि भाई आप अच्छे स्कोर करो, आगे आपकी भविष्य जो है वो उज्ज्वल रहे। लेट्स स्टार्ट टुडे ब्लॉग, वॉच फुल वीडियो, डोंट एस्केप, शुरू करते हैं। कुछ सीन ऐसा है कि अभी मैं छत पे आया हुआ हूँ, रूम का कनेक्शन अभी कटा हुआ है, सो लाइट अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट अगर इस साइड में आऊँगा बैकग्राउंड में तो यहाँ आप देखो, आप यहाँ पे मैं नज़र भी आ रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल ऐसा सीन था कि आप ब्लॉग में तो डेली देखते होगे यार दिन को कि क्या एक्टिविटी करता हूँ क्या नहीं, वाह यार क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है जगह। तो अब चलते हैं नीचे, फिलहाल तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं, सीन बहुत ही तगड़ा लग रहा है, और मैं ऊपर चढ़ के आपको अभी का ये जो मौसम है ये और बेटर तरीके से दिखा रहा हूँ। There's a distance between us. इसके सामने तो एसी भी फेल है यार, नेचुरल हवा का मजा ही कुछ और है। नेचर तो नेचर है भाई, इंसान भले ही इस चीज़ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन ये जो नेचर है ना, इसका मज़ा ही कुछ और है, और इसका कंपटीटर कोई नहीं हो सकता। ना तो कोई 1.5 टन की एसी हो सकती है, ना ही 2 टन की कोई हिटाची। तो भाई रात के अभी 1:30 के लगभग बज रहे हैं, और अभी जस्ट कुछ काम कंप्लीट कर चुका हूँ, एक टॉपिक पे स्टडी कर रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो चुका अभी। और अभी बाहर की बात की जाए तो कुछ खास तो है नहीं यार, मौसम हालांकि काफ़ी ठंडा कर रखा है, और शायद मे बी कि बारिश हो, हालांकि देखने से तो मौसम इस तरीके से कर रखा है कि आज बारिश होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल घिरा हुआ है ऊपर में, और काफ़ी गंदा वाला बारिश होने वाला है यार।